first of all we are taking here viruses. As you all know about the viruses, means certain kinds of disease like smallpox, flu. As we know about the today's main disease, that is COVID-19, also caused by the viruses. Means जब हम सुनते हैं कि what are the viruses, तो virus क्या है, हम उसका एक क्या design अपने mind में create करते हैं किसी भी specific viral disease के बारे में जब सुनते हैं. तो virus क्या है actually? Viruses are non-cellular organism. अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर के थ्रू प्रोड्यूस किया गया, जिसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म को एक परफेक्ट प्लेस प्रोवाइड किया गया अपनी क्लासिफिकेशन में. लेकिन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट होने के बावजूद भी वायरसेस को उस किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई भी पर्टिकुलर स्पेस अवेलेबल नहीं हुआ. एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड देयर इज नो स्पेस फॉर वायरसेस इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? बिकॉज these viruses are non-cellular, means they are truly not a living organism. They behave like both living as well as non-living organism. So let me start with some basic characteristics of viruses. First character of virus is they are obligate parasite. Obligate parasite means which always depends on host for completion of their life cycle. Second, we can say that they are non-cellular organisms. Non-cellular organism means cell is not present, only certain protein codes are there as well as they have their genome. Genome may be of different type, we will discuss about them later. तो नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से मीन्स जिनकी कोई अपनी प्रॉपर सेल नहीं है, जो प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पाते, बट दे आर इनर्ट एंड क्रिस्टलाइन व्हेन प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट सेल. आउटसाइड होस्ट सेल मीन्स अगर ये होस्ट सेल से बाहर है तो हमेशा इनर्ट फॉर्म में रहेंगे, किसी भी तरीके का सेल्यूलर एक्शन नहीं करते. लेकिन दे इन्फेक्ट अ सेल एंड टेक द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल. होस्ट सेल में इन्फेक्शन के बाद ये होस्ट सेल को यूटिलाइज करते हैं फॉर द मशीनरी, मीन्स for the multiplication purpose as well as for the replication of their genome. तो viruses जो है वो basically inert है, crystalline है. लेकिन कब inert और crystalline होंगे? जब वो किसी भी cell के बाहर है, किसी भी host organism के बाहर है. और जैसे ही किसी host या host cell में उनकी entry होती है, after that they behave like the living organism and they start developing inside the host cell. They start multiplication as well as replication, and being they can form the host cell as a virus factory. और फिर ये virus factory की तरह उस cell को बना देते हैं. And that cell, infected cell, always produce the different kinds of the viruses after infection. तो इस तरीके से जो viruses है वो काम करते हैं. Next हम कह सकते हैं did not find any place. Not find any place in five kingdom classification. Five kingdom classification में इसे कोई भी प्लेस अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है. उसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री मीन्स डिस्कवरी के बारे में, तो हिस्ट्री में बेसिकली तीन साइंटिस्ट हैं. फर्स्ट है डीजे इवानोव्स्की इन 1892. डीजे इवानोव्स्की ने सबसे पहले वायरस के बारे में कहा कि वायरस इज अ वीनम, और वी कैन से इट इज अ पॉइजन. या वायरस को हम या तो वीनम मीन्स जहर या पॉइजन का नाम देते हैं. एंड इट कॉज फर्स्ट डिजीज जो उन्होंने आइडेंटिफाई थी कॉज द मोजेइक
डिजीज ऑफ पोटैटो। पोटैटो में मोजाइक डिजीज जनरली ये कोज करते हैं। तो डीजे इवानोव्स्की के थ्रू सबसे पहले विनम या पॉइजन वर्ड आइडेंटिफाई किया गया एंड द मोजाइक डिजीज ऑफ द पोटैटो, और पोटैटो में मोजाइक डिजीज को फाइंड आउट किया गया। एंड दिस डिजीज कैन पास थ्रू फ्रॉम वन इन्फेक्टेड सेल टू अनदर इन्फेक्टेड सेल। उसके अलावा इन्होंने अपनी डिस्कवरी में कहा कि वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरसेस बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं एंड दे कैन बी पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ पेपर। जो बैक्टीरिया प्रूफ पेपर है या बैक्टीरिया प्रूफ कोई भी ऑब्जेक्ट, उसमें से ये वायरसेस इजीली पास कर सकते हैं। सेकेंड साइंटिस्ट है बेजरिंग इन 1898। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, कंटेजियम विवम फ्लूडम, कंटेजियम विवम फ्लूडम। और इस टर्म का मीनिंग अगर हम निकाले तो कहता है कि अगर किसी भी इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्टेड सेल से जो विनम है या जो केमिकल सब्सटेंस है, प्रोटीन है, उसे अगर निकाल कर किसी हेल्दी प्लांट में ट्रांसफर कर दिया जाए तो दैट सेल ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड विद द वायरस। मीन्स द एक्सट्रैक्ट ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल इफ ट्रांसफर इंटू अ हेल्दी सेल देन इट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट, और उस सेल में भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द बेजरिंग दैट इज नेम्ड एज द कंटेजियम विवम फ्लूडम। नाउ द थर्ड साइंटिस्ट इज डब्ल्यू एम स्टेनली दैट ही सेड दैट द वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड Viruses could be crystallized and crystals are the protein. कि viruses जो है वो crystallize किए जा सकते हैं and that crystals are the protein. Now these are the discovery, different types or different discoveries given by the three different scientists. उसके बाद आता है कि जब हम किसी भी वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो what type of structural things are present in the viruses. Now the structure, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस के पास सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, फर्स्ट इज द प्रोटीन कोट एंड सेकेंड इज द जीनोम, और वी कैन से इट द जेनेटिक मटीरियल। दिस प्रोटीन कोट इज नोन एज कैप्सिड। प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं एंड दिस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमीरी एंड दीज कैप्सोमीरीज कैन बी अरेन्ज्ड इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, वन इज हेलिकल फॉर्म एंड सेकेंड इज टेट्राहेड्रल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हेलिकल फॉर्म को ड्रॉ करें, दिस हेलिकल फॉर्म कंसिस्ट ऑफ द कैप्सोमीरी अरेन्ज्ड लाइक दिस। दिस इज द अरेन्जमेंट ऑफ द कैप्सोमीरी, मीन्स हेलिकल स्ट्रक्चर विल बी देयर एंड इन टेट्राहेड्रल फॉर्म इट मे बी लुक लाइक दिस। इट इज फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस एंड इनसाइड इट देयर इज प्रेजेंट द
genome. For example, this one is the genome and this is the genome. Now next is the genome. Genome may be RNA or DNA. Genome किसी भी टाइप का हो सकता है, RNA और DNA. RNA may be of two type, single stranded RNA or double stranded RNA. And this DNA is always double stranded DNA. This single stranded RNA means the viruses which have the single stranded RNA always infects plant cell. हमेशा प्लांट सेल्स पर जो इन्फेक्शन होता है वायरस का, दीज वायरस इज कंसिस्ट ऑफ ओनली द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. बट दिस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और वी कैन से द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दे इन्फेक्ट्स इन्फेक्ट्स एनिमल सेल. एनिमल सेल्स पर इनका इन्फेक्शन होता है. नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट the genome as well as the protein structure. Now we are taking different examples of the disease both in plants and in animals. So first we are taking here the plant disease. In plants, leaf rolling and curling, rolling and curling. Second, vein clearing, vein clearing. Third, we can say that the stunted growth, stunted growth in plants. Next is the chlorophyll reduction, chlorophyll reduction, which is known as the yellowing of the leaf. Now in the animal cells mein ya animals mein jo disease hai, first is the swine flu. Second, smallpox. Third, influenza. Fourth, AIDS. Fifth, hepatitis. Hepatitis. Different types, five types के hepatitis हैं, A, B, C, D, E, कोई भी. सभी वायरसेस से होते हैं एंड मोस्ट पॉपुलर जो अब नाउ डेज जो फैला हुआ है दैट इज कोविड-19. सो मेनी मोर डिजीज कॉज्ड बाय द वायरसेस. दिस इज ऑल अबाउट द वायरस.